of quality, then we will discuss the adjective of quantity. These are the types of adjectives. At first, we will discuss adjective of quality. Quality is so old. Urdu means a kind of movie, yeah. सिर्फ कह रहे हैं किसी की भी अच्छाई या बुराई, ठीक है। उसका जैसे इंप्रेशन जो होता है उसके लिए ये वर्ड यूज करते हैं क्वालिटी, ठीक है। ऑफ व्हाट टाइप यूज करते हैं, ऑफ व्हाट टाइप। कोई भी चीज है, कोई भी पर्सन है, कोई भी प्लेस है, वो किस किस्म, ठीक है। Which is used to express the size, shape, color of a person, place or thing and animal, ठीक है। ऐसे words जो किसी person, place, thing, place या animal के size, shape और color को describe करे। You can see that the words which describes the quality of a noun or pronoun, ऐसे words noun या pronoun की quality को आपके सामने बयान कर रही हूँ, वर्ड्स के लेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। और अब नाउन प्रोनाउन क्या है, ठीक है, उन नाउन या प्रोनाउन पे आ जाते हैं, क्योंकि नाउन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नाउन से नेम, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडेंटिटी। तो इनके जो साइज है, शेप्स है, इनके कलर है, इनके नंबर है, इन सारी चीजों को जो डिफाइन किया जाता है तो उसकी क्वालिटी में आ जाते हैं कि वो किस साइज का है अगर नाउन है, ठीक है। और पर्सन है या प्लेस आ जाते हैं कि किस साइज की है, कोई चीज आ जाती है किस कलर में है, ठीक है, और कितने नंबर्स हैं, तो ये सारी चीजें डिस्क्राइब करती हैं उसकी क्वालिटी, ठीक है। ये वर्ड्स जो हम क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। बहुत थोड़े से वर्ड्स जो है वो बहुत कॉमन वर्ड आपके सामने रखे हैं ताकि आपको ईजिली समझ आ जाए। फर्स्ट है रेड और ग्रीन, ये किसी भी चीज के कलर को जो है वो मेंशन कर रहे होते हैं कि आया वो चीज किस कलर में है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट है, येलो है, एनी कलर, ठीक है। यहाँ पे इसी में एग्जाम्पल आपके सामने रखी है, आई हैव अ रेड कार, मेरे पास रेड कार, कार की जब कोई और चीज भी जो भी आपके पास आई है, रेड शर्ट, आई हैव अ रेड पेन, ठीक है, आई हैव अ रेड कार, ठीक, कोई भी चीज, आई हैव अ रेड कार, यहाँ पे कार जो है लेकिन किसी को नहीं पता चला था कि किस कलर में, ठीक है। इट्स मीन कि नाउन के बारे में मजीद हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है इस वर्ड के थ्रू, रेड के थ्रू, कि मेरे पास जो है रेड कार है, आई हैव अ रेड कार, यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड रेड यूज हो रहा है और कार जो है नाउन है, तो कार को नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ रेड, इसकी जगह कोई भी आप कलर चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा वर्ड हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ, क्योंकि हमें ये नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, हमें नाउन की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है, उसका कलर बता रहा है। ये मैंने वर्ड यूज किया टैल एंड सॉर्ट, कोई चीज जो है हाइट के लिए उसकी शेप या उसका साइज आ जाएगा, ठीक है, कि वो दिखने में बिग है, स्मॉल है, डार्क है, टाल है, शॉर्ट है, फैट है, थिन है, ठीक है, थिक है, कोई भी चीज कोई भी साइज आ जाएगा। राउंड है, सर्कल है, ठीक है, सारे साइज जो है मैंने राइट किया। देन है पोलाइट और काइंड का वर्ड मैंने यूज किया है, दिस इज शोइंग केयर द बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के जो है बिहेवियर को शो किया जा रहा है कि आया वो पोलाइट है, ये काइंड है, और मैंने एग्जांपल भी यूज किए हैं, हमको एग्जांपल काइंड वाइट, यहां पे काइंड जो है एडजेक्टिव है, इस टाइप का है, इस वाइट को कौन सा वाइट है, हमजा, हमजा यहाँ पे नाउन है जिसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड काइंड, कि वो एक रहम दिल लड़का है। एडजेक्टिव जो है ये कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आ जाएगा, क्योंकि उसकी खूबी बताई जा रही है कि उसकी ये खूबी है, हमजा जो है वो काइंड है। उसके बाद अगली है प्रीटी आ जाती है, ये भी उसकी क्वालिटी है, अगली है प्रीटी है, ब्यूटीफुल है, बैड है, गुड है, कैसा है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल यूज किया, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे गर्ल है,
Yeah.